जो खबरें आ रही, जैसा हमने आपको लेटेस्ट अपडेट बताया था कि संजय दीवान प्राइवेट लिमिटेड जो ज्वेलरी कंपनी है साहिबगंज में वो संचालन करते हैं, उनके मालिक खुद संजय दीवान है, वो यहाँ पे पूछताछ के लिए जब मौजूद रहे तो वो फूट फूट के अंदरूनी सोर्सेज के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फूट फूट के रोने लगे, जी हाँ, ईडी के सामने, और बहुत रोने लगे। तब ईडी ने उन्हें समझाया कि रोने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको जांच में सहयोग करना होगा, क्योंकि ऐसे हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो संजय दीवान ने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं तो एक बहुत छोटा कारोबार हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मैं बिजनेस मैन हूँ, मुझे पकड़ कर क्या फ़ायदा, मुझसे पूछताछ करके क्या फ़ायदा। अगर आपको पूछना ही है तो डाहू यादव से पूछिए, क्योंकि वही आपको बता दें, डाहू यादव का यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो मालवाहक जहाज जो होता है गंगा नदी में उसके संचालन करते हैं, ये उसके मालिक है। और डाहू यादव अभी बीच में हाईलाइट में तब आए थे जब बीच में एक गंगा नदी में जब एक जहाज मालवाहक जा रहा था, रात में अचानक ही वो डूब गया और वो माल से लदा हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा है कि अवैध रूप से वो बिहार के कटिहार जिले पहुँचाया जाता था ये जहाज के माध्यम से। तो उनसे भी कई तरह की पूछताछ ईडी ने की हुई है और आज बुलाया भी है, वो भी पहुंचेंगे कुछ ही देर में। लेकिन ये संजय दीवान जो है वो फूट फूट के रोने लगे, उनकी तबीयत खराब हो गई, ईडी वालों ने पानी भी पूछा, लेकिन ईडी वालों ने सवाल जवाब का जो बम्बार्ड था वो कम करना ये नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा आप रोइए, जो करिए, पूछताछ होगी और आपको सहयोग करना पड़ेगा। तब डाहू यादव ने कहा, अगर आप माफ करिएगा, तब संजय दीवान ने कहा कि डाहू यादव को अगर आप पकड़िएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही जड़ है, सब उन्होंने किया। यानी संजय दीवान ने साफ तौर पर सारा का सारा मालवाहक संचालक डाहू यादव के सर पर पूरा का पूरा ठेकड़ा फोड़ दिया है कि सब उन्होंने किया, ये बस से वो नजर आ रहे। लेकिन ईडी अपने तरफ से और भी तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है और संजय दीवान को लगातार समन भेज के आज कल परसों अभी लगातार उनसे पूछताछ चलेगी। और पंकज मिश्रा का जहां तक बात है तो पंकज मिश्रा ने भी साफ तौर पर कहा है कि उनके पेट का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं सहयोग तो करूंगा लेकिन पहले पेट दर्द तो कम हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट है, अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं अगर पूजा सिंघल की बात करें तो उनकी याचिका फिलहाल खारिज है। अगला जो सुनवाई होगा इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। डाहू यादव के बारे में हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि डाहू यादव का नाम एक बार और आया था तब जब रूपा तिर्की मामले में, जी हाँ, जो ASI रूपा तिर्की आत्महत्या सुसाइड मामला था उसमें रूपा तिर्की की माँ ने यह आरोप लगाया था कि डाहू यादव जो है और CM विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ये दोनों मिलकर मेरी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा और डाहू यादव जैसे जो लोग हैं इन दोनों का नाम पहले से ही मीडिया में कुछ गलत कारणों की वजह से सुर्खियाँ बटोर चुका है। अब जो सुर्खियाँ बटोर रहा है ये भी कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है। क्या आगे निकल के आता है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या सूत्रों के पहले से खबरें आती है, सब हम आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी जीएन भारत में देंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा सर अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।